Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School presents Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello students of class 6. So the continue the chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. Topic angles. As we have done two types of angles, straight angle and another is of right angle. The straight angle is of 180 degree and right angle is of 90 degree. Aaj hum bachcho naye topic padhne ja rahe hain angles mein, acute angle, obtuse angle and reflex angle. Sabse pehle baat karenge bachcho acute angle ki. As you see, study, यहाँ पे लिखा हुआ है, we saw what we mean by a right angle and straight angle, है ना? हमने पढ़ा है ना, straight angle और right angle में, same वैसे ही, यहाँ पे लिखा है, not all the angles we come across are one of these two kinds, यानी कि जरूरी नहीं कि सारे angles, acute angle और, right angle and हमारे, जो है, straight angle हो. कुछ ऐसे भी एंगल्स होते हैं जो एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स बनाते हैं. जैसे द एंगल मेड बाय रडार विद द वॉल, यानी कि जब हम सीढ़ी लगाते हैं वॉल पर तो जो एंगल्स बनते हैं ये दोनों एंगल्स हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं. ओके, सेम एज एल, एल पर हमारा जो एंगल बनता है एल पर, ये देखिए दो स्केल पे, ये हमारा 90 डिग्री होता है ना, होगा. तो वैसे ही अदर टाइप्स के एंगल्स बनते हैं हमारे. अब हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एक्यूट एंगल की. कह रहा है एन एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, जब भी 90 डिग्री से कम, जीरो से ग्रेटर और 90 से कम एंगल बनेगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा. तो दीज आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स. जैसे रूफ का टॉप होता है एग्जांपल में, सी सॉ, ये बहुत बच्चे खेलते हैं इसमें, जो झूला झूलना पसंद करते हैं इस पर बैठ के. ओपनिंग अ बुक, इतना बुक अगर आप ओपन करेंगे तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं हमारे एक्यूट एंगल के. ओके, डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल इज ऑफ, अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन होती है बच्चों, एन एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा रूफ टॉप एंड सी सॉ. ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल में हमारा, इफ एन एंगल इज लार्जर देन राइट एंगल, जब हमारा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट लेस देन स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180, यानी कि 90 टू 180 के बिटवीन जो भी एंगल्स होंगे बिटवीन, वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे. ओके, जैसे कि आप ये हाउस देखिए, इसका जो यहाँ पर ये रूफ है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका 90 से ज़्यादा होगा. तो 90 से ज़्यादा होगा तो हमारा कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल. ठीक है, अगर हम रेवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ओके, ऐसे ही आपकी बुक में आपको एक मैचिंग दे रखी है, अगर आप देखें 5.3 में, मैच द फॉलोइंग, तो मैचिंग आप ट्राई करेंगे. और उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका बहुत सिंपल है. देखिए फर्स्ट वन इज क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स. बच्चों रिफ्लेक्स एंगल अभी मैंने आपको डिटेल नहीं किया. रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360, जब 360 से कम होगा और 180 से ज़्यादा होगा वो सारे एंगल्स हमारे जो है रिफ्लेक्स एंगल होंगे. अब याद रखिए जब पीछे बैक साइड से एंगल निकलता है ज़्यादातर, वो सारे के सारे एंगल्स कैसे होते हैं हमारे, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं. जैसे ही बहुत छोटा सा एंगल है तो ये हमारा कैसा एंगल होगा, एक्यूट. आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे ऐसे ही और इसे लिख देंगे एक्यूट, ये हमारा 90 से ज़्यादा है, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा बी पार्ट. ये एक्यूरेट 90 डिग्री है, देखिए एल बना रहा है इसमें, तो हमारा राइट एंगल होगा. ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है डी पार्ट. ई पार्ट इज ऑफ स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधी लाइन पे एंगल बन रहा है, और ये दोनों हमारे एक्यूट होंगे, तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा. तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.3. ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.